नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं इधर है ओल्ड अपाची आरटीआर 162B और इधर है न्यू अपाची आरटीआर 162B। तो दोनों अपाची आरटीआर 162B का एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं कि ओल्ड अपाची से आपको ये जो न्यू अपाची आरटीआर 160 है दोनों में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है, क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है, मतलब बेसिकली ओल्ड से ये न्यू अपाची में क्या क्या चेंजेस हुई है। तो ये एकदम अगल बगल में दोनों गाड़ी जो है खड़ा है तो दोनों को एकदम साइड बाय साइड आज कंपेयर करने वाले हैं और दोनों का प्राइस में कितना अंतर है, कितना वेरिएंट आपको अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है, कितना कलर स्कीम में अभी आपको वेरिएंट देखने को मिलता है, तो सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू यूनिवर्सल टीवीएस कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल टीवीएस कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का कंपेरिजन जो है वो फटाफट स्टार्ट करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों बाइक का अगर वेरिएंट की बात करें तो ओल्ड जो अपाची आरटीआर 160 देख पा रहा हूँ ये पहले दो वेरिएंट के साथ आता था, सिंगल डिस्क वेरिएंट और डुअल डिस्क वेरिएंट। अभी नया जो अपाची आरटीआर 162B है इसमें आपको टोटल तीन वेरिएंट देखने को मिलता है, सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क विथ बीटी। तो टोटल आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलता है। बीटी का जो प्राइस है सबसे ज़्यादा है, पहले से प्राइस इसका बढ़ चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास प्राइस जो है नया अपाची का बढ़ा है। और ये जो पुराना आरटीआर 160 था इसका पहले प्राइस था 1,44,000 के आसपास ऑन रोड आपको कोलकाता में देखने को मिलता था, और अभी ये जो अपाची आरटीआर 160 है इसका प्राइस है 1,49,768 रुपीस अप्रॉक्स ऑन रोड कोलकाता प्राइस। तो 1,48,000 से 1,50,000 के बीच में आपको नया अपाची देखने को मिलेगा। कलर स्कीम आपको पहले जो 5 कलर स्कीम देखने को मिलता था वही 5 कलर स्कीम अभी भी आपको देखने को मिलता है, वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रे कलर। तो चलिए अभी एकदम डिटेल में अभी जान लेते हैं कि दोनों में आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आपको ऑलरेडी सामने में दिख रहा होगा कि दोनों का जो लाइट सेटअप है दोनों में काफ़ी अंतर है। तो इसका जो नया जो अपाची है इसमें आपको ऑल LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है विथ न्यू LED DRL के साथ। वही अगर पुराना अपाची की बात करें तो इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट सेटअप मिलता है, हाई बीम लो बीम आपको हेलोजन में मिलता है, और इसका जो DRL थोड़ा डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो नया अपाची है इसका जो लाइट सेटअप है और इस लाइट के कारण इसका जो सामने का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो चुका है। तो आप लोग एकदम साइड बाय साइड देख ही सकते हो, और इनफैक्ट इसमें अटेंशन टू डिटेल आप देखिए, यहाँ पे आपको LED टेक का ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है जो TVS के तरफ से, यहाँ पे आपको TVS का लोगो भी दी गई है। अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी इसका हाई बीम भी एक बार ऑन करके आपको दिखाते, स्टार्ट करते तो देखिए इसका जो हाई बीम है, इसका हाई बीम आप देखिए, और इसका फ्रंट प्रोफाइल तो काफ़ी खूबसूरत है। और पुराना वाला को भी एक बार चालू करते हैं, इसका देखिए इसका जो मेन हेडलाइट सेटअप है आपको हेलोजन में मिलता था, और इसका है अभी हाई बीम। और जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर में भी बदलाव की गई है। ये है ओल्ड इंडिकेटर, हेलोजन इंडिकेटर तो अभी भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये है ओल्ड इंडिकेटर और ये है नया इंडिकेटर जो आरटीआर 164B में जैसा इंडिकेटर मिलता है, फ्लेक्सिबल की तरफ दिखता है बट फ्लेक्सिबल नहीं है, वैसा इंडिकेटर यहाँ पे दी गई। नेक्स्ट आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो है इसका वाइजर। वाइजर आपको सामने से देख के लग सकता है कि उतना ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन ये कर्व्स एंड एज जो आप देख पा रहे हो, देखिए पूरा इसको एरोडायनामिक डिज़ाइन दिया गया है। और वही अगर ये पुराना वाला अपाची की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसे आपको कट्स एंड एज जो है नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है इसका जो विंडस्क्रीन है ये पहले से काफ़ी अभी बड़ा हो चुका है। तो ये जो है पुराना विंडस्क्रीन है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये उतना ज़्यादा हाइट नहीं था इस विंडस्क्रीन का, लेकिन ये जो विंडस्क्रीन है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। बाकी सामने में वाइजर में और कुछ डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। हाँ, और एक चीज़ जो है ये वाइजर जिस मेकानिज़म के ऊपर बैठता है ना, जिस मेकानिज़म के ऊपर ये वाइजर लगाया जाता है वो मेकानिज़म जो है ये, मतलब ये जो क्लैम वगैरह जो है ना, तो ये क्लैम में पूरा चेंज की गई है। और इसका जो क्लैम वगैरह जो मेकानिज़म है ये डिफरेंट है, मतलब इस वाइजर को आप इस गाड़ी में नहीं लगा सकते हो। जुगाड़ लगा के तो आप लगा सकते हो, लेकिन एकदम जो है इसमें फिट नहीं होगा। सस्पेंशन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, दोनों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है 31mm आई गेस। और मडगार्ड में भी आपको कोई भी, मडगार्ड के डिज़ाइन में एक्चुअली कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस ये जो स्टिकरिंग देख पा रहे हो स्टिकरिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट टायर प्रोफाइल में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, 90/90 17 inches का अलॉय व्हील के साथ आपको यहाँ पे
ट्यूबलेस टायर मिलता है, ये अभी जेके टायर कंपनी ने इसको प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो है टीवीएस रिमोरा का टायर अभी आपको देखने को मिलता है, डिस्क 270mm का पेतल डिस्क मिलता है, तो दोनों का डिस्क जो है एकदम इक्वल है। और सिंगल चैनल ABS अभी भी आपको दोनों में ही देखने को मिलता है, तो ABS का भी कोई भी अपडेट नहीं है। नेक्स्ट अगर अपडेट की बात करें वो है यहाँ पे जो टैंक, ये जो टैंक साइड पोर्शन देख पा रहे हो, टैंक का जो एक्सटेंशन आप देख पा रहे हो ना, इसमें टोटली चेंज है। तो पहले वाला वेरिएंट का जो टैंक, ये जो साइड काउल है, इसका डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और अभी का डिज़ाइन आप देखिए, इनफैक्ट अभी का जो स्टिकरिंग है वो भी टोटली चेंज है। इसका अभी का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी हद तक जो है खूबसूरत है, काफ़ी हद तक इसको और भी ज़्यादा स्पोर्टी देखने को मिलता है। बाकी ये जो स्टिकरिंग वगैरह देख पा रहे हो, स्टिकरिंग एकदम ही नया यूज़ की गई है, जो मेटालिक स्टिकरिंग है, टोटली आपको यहाँ पे मेटालिक स्टिकरिंग देखने को मिलता है। और ये जो लोगो है, लोगो अभी भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, लेकिन लोगो का जो मतलब लोगो का जो पोजीशन है उसको थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए इसका जो लोगो है ये थोड़ा पीछे की तरफ है, इसका जो लोगो है थोड़ा आगे की तरफ है। टैंक एकदम सेम है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। माइलेज आपको अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 km/h का माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है। इंजन में बदलाव की गई है, इंजन में एक्चुअली पावर जो है वो इंक्रीज़ की गई है ये जो नया वेरिएंट में। और ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ना, ये जो पैनल आप देख पा रहे हो, इसमें थोड़ा डिफरेंस की गई है। तो ये जो अभी मैट ब्लैक फिनिश में है, पहले ये जो पैनल आता था, और इसका डिज़ाइन में भी थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये जो पहले आता था ये कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला फिनिश के साथ ये पैनल आपको देखने को मिलता था, अभी जो है उसको नॉर्मल मैट ब्लैक देखने को मिलता है। पावर अभी वो जो नया अपाची RTR 162V है, इसमें पावर जो है पहले से इंक्रीज करा गया है। और ये जो पुराना अपाची RTR 160 है, इसमें आपको लगभग 15.23 PS के आसपास इसमें पावर मिलता था, और 13.85 Nm का टॉर्क मिलता था। 5-speed गियरबॉक्स तो आपको मिलता ही था, अभी भी आपको 5-speed गियरबॉक्स ही मिलता है। लेकिन ये जो इंजन है, इंजन तो सेम है, ये भी 159.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड SOEC 12V इंजन है, लेकिन इसमें अभी आपको 16.04 PS का पावर मिलता है। पहले आपको 15.23 PS के आसपास पावर मिलता था, अभी आपको 16.04 PS का पावर मिलता है, 13.85 Nm का टॉर्क अभी आपको देखने को मिलता है। 5-speed गियरबॉक्स है, इसमें गियर शिफ्टिंग वगैरह में जो है कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर दोनों में आपको मिल जाता है, दोनों में आपको साइड स्टैंड विद मिडिल स्टैंड जो है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इंजन काउल है ना, इंजन काउल का जो डिज़ाइन है ये पहले से चेंज करा गया है। तो पहले का जो डिज़ाइन है आपको ऐसा देखने को मिलता था, पहले का डिज़ाइन ये थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी इसका जो डिज़ाइन है डुअल टोन कलर में फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई है, तो इसका लुक्स भी जो है काफ़ी हद तक जो है इनहांस हुआ है। फ्रेम में कोई भी बदलाव नहीं है, डबल क्रैडल सिंको स्टिफ फ्रेम जो है आपको दोनों गाड़ी में देखने को मिलता है। सीट में भी कोई भी बदलाव नहीं है, ये जो साइड पैनल आप देख पा रहे हो ना, इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं है। अपाची का ब्रांडिंग के साथ वो कार्बन फाइबर फिनिश वाला ये जो साइड काउल वही आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये जो रियर काउल आप देख पा रहे हो इसको चेंज करा गया है। तो इसको आप पहले देख लीजिए, ये जो रियर काउल है आपको अभी ऐसा देखने को मिलेगा, ऊपर से भी देख लीजिए, साइड से भी देख लीजिए, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो चुका है अभी। और पहले वाला जो मतलब पिछले वाला जो वेरिएंट था, जो ओल्ड मॉडल था, उसका जो रियर काउल है वो आपको ऐसा डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता था, और ये साइड से बहुत ही बाहर की तरफ निकला हुआ है। देखिए RTR 160 का जो स्टिकरिंग है वो तो एकदम सेम है, लेकिन ये जो काउल है, काउल पहले से अभी ये जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट करा गया है। और स्प्लिट ग्रैब ग्रिल तो आपको पहले भी देखने को मिलता था, उसमें भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस ये जो स्टिकरिंग वगैरह देख पा रहे हो, ये स्टिकरिंग में भी चेंज की गई है, मतलब बाइक में, होल बाइक में आपको जो जो स्टिकरिंग देखने को मिलेगा सब जो है इसमें आपको नया स्टिकरिंग देखने को मिलता है। और एक चीज़ जो नया देखने को मिलता है, मतलब और भी काफ़ी चीज़ है जो आपको नया देखने को मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ओल्ड वाला टेल लाइट देख लीजिए, ये काफ़ी पुराना हो चुका था। अभी का जो टेल लाइट है भाई साहब, ये तो मेरा फेवरेट है इस गाड़ी में, इसका टेल लाइट देखिए कितना खूबसूरत है ना, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम LED स्ट्रिप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये टेल लाइट जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। बाकी ये जो कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला फिनिश आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो पहले भी आपको देखने को मिलता था। नंबर प्लेट का लाइट जो है बल्ब में, वो अभी भी आपको इसमें बल्ब भी देखने को मिलता है। और ये जो ब्लिंकर्स देख पा रहे हो, ब्लिंकर्स तो ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ, ये चेंज हो चुका है। पीछे ये जो मडगार्ड देख पा रहे हो, मडगार्ड में कोई भी बदलाव नहीं है, इनफैक्ट
जो डिस्क वगैरह पीछे जो टायर एंड जो डिस्क वगैरह है उसमें भी कोई भी बदलाव नहीं है। 200mm का आपको पेतल डिस्क मिलता है, ये ओल्ड वाला वेरिएंट में भी आपको 200mm पेतल डिस्क ही मिलता था। और टायर प्रोफाइल भी एकदम सेम है, 110x80/17, इसमें भी आपको 110x80/17 ही मिलता है। रिम का जो डिज़ाइन है उसमें भी कोई भी बदलाव यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। और एक चीज़ जो है, ये जो रियर काउल अभी जिस मेकानिज़म के ऊपर बैठता है ना, वो पीछे का मेकानिज़म पूरा चेंज करा गया है। शॉक एब्जॉर्बर आपको सेम शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है, ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो आई गेस 5-7 स्टेप एडजस्टेबल है। एग्जॉस्ट में भी आपको कोई भी बदलाव नहीं है, और दोनों का एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको अभी सुनाता हूँ। चलिए इसका एक बार दोनों को इग्निशन को करते हैं ऑन, और इधर बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म तो आपको दोनों में देखने को मिलता है, स्विंग आर्म में भी कोई भी बदलाव नहीं है। बाकी ये जो राइट पोर्शन देख पा रहे हो इसमें भी एज सच आपको कोई भी जो चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इंजन कवर यहाँ पे आपको छोटा एक पहले से ही देखने को मिलता है, वो अभी भी बरकरार है। और किक स्टार्ट आपको पहले वेरिएंट से ही नहीं देखने को मिलता था। नेक्स्ट चेंजेस जो है आपका दोबारा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, उसके पहले दोनों का एग्जॉस्ट नोट सुना देते। इसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए, ओल्ड वाला का एग्जॉस्ट नोट आप सुन लिए, अभी आपको सुनाते हैं वो नया वाला बाइक का एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं। तो उतना ज़्यादा डिफरेंस मेरे को फील नहीं हुआ, अगर पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो उतना ज़्यादा डिफरेंस जो है मेरे को फील नहीं हुआ। बाकी दोनों में आपको ओपन साइड चेन सेटअप मिलता है, तो इधर भी आपको ओपन साइड चेन ही मिलता है। और साड़ी गार्ड और लेडीज़ फुट रेस्ट जो है आपको कंपनी फिटेड दोनों मॉडल में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और फुट रेस्ट में भी कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है। फुट रेस्ट भी एकदम सिमिलर है, जो आपको पुराना वाला वेरिएंट पे देखने को मिलता था वैसा ही फुट रेस्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ये जो स्टिकरिंग है, स्टिकरिंग आपको नया देखने को मिलेगा। अभी इसमें जो ब्रांडिंग की गई है रेसिंग सिंस 1982 का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। हैंडल बार भी एकदम सिमिलर है, क्लिप ऑन हैंडल बार आपको दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको टोटली ये नया वाला वेरिएंट पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो एक्चुअली अपाची आरटीआर 164B से ली गई है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इसका जो बीटी वेरिएंट है, बीटी वेरिएंट में एक्चुअली आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी शो करता है। और ये ओल्ड वाला जो वेरिएंट है, ओल्ड वाला वेरिएंट पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था। तो यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिलता था, टाइम 3.32, इधर आपको टैकोमीटर मिलता था, इंजन माल फंक्शन, रिजर्व लाइट, सर्विस रिमाइंडर, बैटरी, ABS का सिग्नल मिलता था, न्यूट्रल का सिग्नल यहाँ पे आपको दिखाता था, बाकी हाई बीम इंडिकेटर का सिग्नल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। एकदम बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था। और अभी नया वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें क्या क्या मिलता है वो भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक बार ऑफ करके ऑन करते तो ये यहाँ पे ऑल डिजिटल मिलता है। तो यहाँ पे आपको सर्विस रिमाइंडर मिलता है। अभी इसमें नया 3 मोड देखने को मिलता है। नया बोले तो पहले ये जो अपाची आरटीआर 162 भी था, मतलब ये जो अपाची आरटीआर 162 भी था इसमें आपको कोई भी मोड नहीं देखने को मिलता था। लेकिन ये जो अभी नया वाला अपाची आरटीआर 162 भी है इसमें आपको 3 मोड कंपनी ने दिए हैं। तो जैसे आपको अपाची आरटीआर 164B में जैसे मोड मिलता है ना, रेन, स्पोर्ट, अर्बन मोड, इसमें भी आपको सेम 3 मोड मिलता है। मोड बटन आपको यहाँ पे डेडिकेटेड मोड बटन दी गई है, स्पोर्ट, रेन, अर्बन और स्पोर्ट। तो ये मोड जो है एक्चुअली फंक्शनल है, जो जब आप रेन और अर्बन मोड पे चलाओगे ना तब आपको इसका जो इंजन पावर है वो भी कम देखने को मिलेगा। अराउंड आपको 13.32 PS का पावर मिलेगा, 12.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा रेन और अर्बन मोड पे। तो फ्यूल गेज भी यहाँ पे शो करता है, ट्रिप 1, ट्रिप 2। यहाँ पे अभी धूप बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। हाई स्पीड 0-60 आप कितना सेकंड पे अचीव किए थे। सर्विस रिमाइंडर यहाँ पे शो करता है, ऊपर में टैकोमीटर यहाँ पे आपका स्पीड शो करता है। तो उतना ज़्यादा मतलब बीटी वेरिएंट वाला तो फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। बीटी वेरिएंट में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी शो करता है। बाकी आप अगर यहाँ पे साइड स्टैंड गिराते हो तो यहाँ पे साइड स्टैंड का सिग्नल भी दिखाता है। और ये कैमरा जो है अभी धूप के कारण इधर जो है फोकस नहीं हो रहा है, तो साइड स्टैंड गिराने से यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेटर भी शो करता है, ये देखिए। और टेल टेल लाइट्स यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो इंडिकेटर का सिग्नल, इंजन माल फंक्शन, ABS का सिग्नल, हाई बीम का सिग्नल, न्यूट्रल का सिग्नल, रिजर्व लाइट, इधर भी इंडिकेटर का सिग्नल, हाई शिफ्ट RPM लिमिटर, सिलेक्ट और मोड बटन। और ये जो मेकानिज़म देख पा रहे हो, मतलब ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये पोर्शन अभी आपको टोटली नया देखने को मिलता है। मिरर में कोई भी बदलाव नहीं है, मेरे को तो देख के लग रहा है मिरर में कोई भी बदलाव नहीं है। स्विच
पैनल जो स्विच पैनल वगैरह देख पा रहे हो इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं है, बस यहाँ पे एक मोड स्विच जो है एड ऑन हुआ है। बाकी क्लच लीवर जो है वो भी एडजस्टेबल नहीं है। दोनों का साउंड भी ऑलरेडी मैं आपको सुना चुका हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको दोनों बाइकों में से क्या क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना आपको ये नया अपाची आरटीआर 162 भी अच्छा लगता है कि ये पुराना वाला अपाची आरटीआर 162 भी आपको ज़्यादा पसंद आता था। आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना। और बाकी पुराना वाला अपाची अभी भी स्टॉक में है, आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो। यूनिवर्सल टीवीएस में आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो, आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे। टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, टाटा।